का सीजन बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो शादियों में अगर लेडीज कुछ अपने फैशन में बैग्स वगैरह नहीं लेंगी, हैंग नहीं करेंगी, तो इतना अच्छा लुक नहीं आता है, क्योंकि लुक में बैग्स जरूर होना चाहिए। तो मैं वो जो कलेक्शन है पार्ट वन का बैग एंड क्लचेस का लेके आई हूँ आपके सामने। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स गो स्टार्टेड। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आपको पता है, आपने मेरे टाइटल से पढ़ लिया होगा कि ये कौन सा वीडियो है और किस पर्पज से। तो आज हम बात करते हैं, मेरे पास में बहुत सारे गिफ्टेड बैग हैं, मैंने बहुत ज्यादा परचेज नहीं किया है, बहुत सारे उसमें मिनिमम ज्यादातर जितने हैं सारे गिफ्टेड हैं। बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। अभी मैं पार्ट वन लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले रेड कलर जो शादी के सीजन में मस्ट होता है और शादी में भी ले जाते हैं, क्योंकि बेस्ट कलर रेड कलर तो शुभ माना जाता है हमारे कल्चर में, इंडिया में। तो ये देखिए, ये है मेरे शादी का बैग रेड कलर का। ये मेरे शादी में गया था तो मैंने इसको लिया था। इसमें बहुत सारा स्पेस है और इसके साइड जिप भी लगी है और इस तरीके से है। और ये है, ये देखिए, इसमें कई सारी पॉकेट हैं, बहुत सारा स्पेस है। इसमें बहुत सारा मेकअप का सामान आ सकता है और बढ़िया से स्पेस है, काफी सारा सामान, क्योंकि न्यू ब्राइडल के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। तो नंबर फर्स्ट मेरे पास एक ये बैग है, आप लोग देख लीजिए, जो कि बहुत सुंदर है। तो ये तो मेरे ससुराल तरफ से आया था, आई डोंट नो कहाँ से है, बट आप अगर इस टाइप का कुछ लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ज़्यादा वैसे टाइप का नहीं है, ये आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, सिंपल सुअर एंड बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये देखिए, और नेक्स्ट मूविंग ऑन प्रोडक्ट, तो एक रेड कलर में एक ये है जो कि क्लच है, इसको हम हैंड से ले सकते हैं और इस तरीके से इसमें एक स्विच लगा है जिससे इसको लॉक कर सकते हैं एंड बंद कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये छोटा सा ये हैंगिंग के लिए इसमें ये चैन भी है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हैं अपने शोल्डर में, और अगर हाथ से में लेना है तो हाथ में ले सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर सा, कोई रेड कलर की आपने ड्रेस पहन रखी है, मरून कलर की ड्रेस पहन रखी है और रेड कलर का आपने चूड़ा पहन रखा है, तो बहुत सा सुंदर लुक आएगा इस बैग का, तो आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट बैग कौन सा है मेरे पास। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। कभी कभी मन करता है कि मतलब कि थोड़े से जड़ाऊ कड़ाऊ भी कभी कभी शादियों में या ड्रेस के हिसाब से हमें लेना पड़ता है। तो देखिए, इसमें ये छोटा सा मोती सा लगा है, तो ये बहुत अच्छा बैग है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर वर्क का बैग है और इसके अंदर देखिए आप, ये छोटी सी पॉकेट दे रखी है, ये इसमें आप थोड़े से इसमें रुपए डाल सकते हैं जो कि काम आएंगे, और इसके लिए ये अंदर से काफी स्पेस है, छोटा मोटा प्रोडक्ट आ सकते हैं। और इसमें भी ये देखिए हैंगिंग सिस्टम है, कुछ इस तरीके से देखिए, कितनी सुंदर सी इसकी हैंगिंग ये लगी है। तो ये देखिए, प्यारा सा बैग है। आप अगर इस तरीके से मार्केट में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो रेड मेरे पास दो बैग है और आई हैव सम कलेक्शन ऑन गोल्डन कलर। तो ये देखिए, ये फर्स्ट गोल्डन कलर है, थोड़ा सा डार्क है, नीचे तो लाइट है लेकिन ये जो इसका कढ़ाई है वो उस तरीके से डार्क है, और बहुत ही सिंपली, यानी कि बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन इसका वर्क है, देखिए आप लोग अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट यानी कि मेरे पास तो बैग ही है यार। तो ये देखिए, नेक्स्ट बैग है मेरे पास गोल्डन कलर का। ये तो ये बैग मैंने लिया था अपने रोका सेरेमनी में, तो ये बैग मैंने खुद से परचेज किया है। तो ये लिया था मैंने झांसी के सदर मार्केट से, जो कि बहुत ही सुंदर है। आई थिंक, मुझे पता नहीं है ये 600 या 700 का बैग है। बहुत ज़्यादा महंगे बैग मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम लेती हूँ, बहुत कम पार्टी में जाती हूँ, इसलिए बैग कम ही रखती हूँ। तो लेकिन ये मुझे बहुत ही सिंपल सुअर, यानी बहुत सुंदर बैग लगता है, ये देख, प्रोफेशनल एंड स्टैंडर्ड कलर है, कलर भी बहुत
बहुत प्यारा है और बैग भी बहुत मुझे सुंदर लगता है। क्लचेस है, ये क्लच है और ये देखिए इसके अंदर पॉकेट, ये टू पॉकेट है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से ये मेरा बैग है। ये सेकंड गोल्डन कलर है एंड नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ गोल्डन कलर का। ये देखिए ये भी क्लच है हैंड का, कुछ इस तरीके से इसमें ये लगा हुआ है लॉक करने के लिए। ये भी बहुत सुंदर है एंड इसको आप किसी भी ड्रेसेस में कैरी कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो कि आपके लुक को बहुत ही सुंदर बना देगा। ये आप, ये हैंडबैग है, आराम से इस तरीके से लेके आप कहीं भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट बैग है जो कि मेरे मैरिज में मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरी फ्रेंड्स ने दिया था। काफ़ी फ्रेंड्स हैं, अब मुझे पता नहीं है कि किसने दिया है, स्नेहा थी और दिव्या थी, रीना थी, तो उन लोगों के उसमें निकला था। तो ये देखिए जो कि बहुत ही प्यारा बैग है, इतना सुंदर क्लच है, ये मुझे बहुत पसंद आया और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे दिया है, यानी कि इन फ्रेंड्स में से सब लोगों ने मुझे मिलके दिया था और इसके साथ में और भी चीज़ें थी। तो ये देखिए अब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से लिया है, कितने का है, प्राइस तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आप किस डिजाइन का आप ले सकते हैं या खरीदते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। ये भी इसका अलग हो जाता है हैंडल और इस तरीके से इसको देखिए ओपन करते हैं। ये देखिए बहुत सारा स्पेस है और छोटी सी इसमें, इसमें देखिए ये छोटी सी जिप लगी है जो कि इसमें, इसमें से आप पैसे डाल सकते हैं और इसमें से आप मेकअप का सामान डाल सकते हैं, क्योंकि हम लड़कियों के पास तो मेकअप ही होता है और शादी में जाने से पहले लिपस्टिक बिंदी वगैरह वगैरह सामान डालते हैं। और देखिए इसमें ये हैंगिंग चैन भी है, इसको आप स्लिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसको हाथ में ले सकते हैं, इसको कई स्टाइल से इसको यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से ले सकते हैं, आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं एंड स्लिंग भी कर सकते हैं शोल्डर में। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा बैग एंड नेक्स्ट मेरे पास पोटली बैग है। पोटली पोटली बैग देखिए कितना सा सुंदर सा है। आपने किसी रेड कलर का लहंगा पहना है तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए जो कि बहुत ही सीक्वेंस वर्क का है और बहुत ही प्यारा है, सुंदर सा बैग है। ये देखिए ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरी दी ने मुझे दिया था और बहुत ही सुंदर है। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो कुछ ज्वेलरी के साथ में आया पर मुझे बहुत ही प्यारा लगा। कुछ इस तरीके से इसको किसी भी ड्रेसेस में इसको कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट बैग मेरे पास है छोटा सा क्लच। ये देखिए ये मुझे रक्षाबंधन में मेरे भाई ने दिया था, ये छोटा सा है, छोटू सा। ये देखिए इसमें बहुत सारे से जेब है, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें सारे कार्ड आ जाएंगे और अंदर इसमें रुपए भी आ जाएंगे। ये देखिए आप कहीं जाते हैं छोटे मोटे फंक्शन में या कहीं पे भी घूमने तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें इसमें देखिए स्टार इतना प्यारा लग रहा है और ये एप्पल कितना सुंदर सा लग रहा है, हाँ मेरे सोफा से भी मैच कर रहा है। देखिए ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में है, ग्रीनिश एंड ब्राउनिश में है। तो ये देखिए छोटू सा है, ये भी मेरा गिफ्टेड है, वो भी मेरा गिफ्टेड है एंड देखिए ये है बड़ा सा स्लिंग बैग, ये थोड़ा सा क्रीमी कलर में है। ये देखिए इसको छोटा एंड बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ये भी मेरा गिफ्टेड बैग है, मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे शादी से पहले, पता नहीं कुछ ओकेजन था उसमें दिया था, याद नहीं। बहुत सुंदर सा है, इसमें देखिए कितनी सारी जिप लगी है, एक बैक साइड इसकी जिप है, ये आप छोटा मोटा सामान पीछे रख सकते हैं। ये देखिए नेल पॉलिश पड़ी है और इसको ओपन करके इसके ये जो ये नग है ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा है और इसमें बहुत सारे पॉकेट है। ये देखिए एक अपर साइड में है इसके ये, और अंदर भी एक पॉकेट है ये, यानी कि इसके कुल मिला के तीन पॉकेट है इसके अंदर। बहुत ही प्यारा एंड अमेजिंग लगता है, इसको कैजुअल में आप कैरी कर सकते हैं, जीन्स वगैरह में या कुर्ती वगैरह में।
तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास ये है राजस्थानी बॉलेट। इसको तो हम ऐसे ही स्लिंग करते हैं, ये कोई मल्टी कलर की ड्रेसेस में या राजस्थानी लुक में या गरबा लुक में इस तरीके से फंक्शन में जा सकते हैं, तो इसको कैरी कर सकते हैं, जो कि ये बहुत सुंदर सा है। ये देखिए, ये धागे के कलरफुल धागे से बना हुआ ये बैग है, जो कि बहुत ही सुंदर। और इसमें देखिए, इसमें स्पेस कितना है, इसमें से एक यहां से लेके किनारे से इसके एक जिप लगी है, ये पूरा तो इस तरीके ये ओपन हो जाता है। ओ माय गॉड, ये देखिए इसमें तो पैसे हैं। ये देखिए इसमें और ये चैन लगी है, 1 एंड 2। ये देखिए बहुत सुंदर, इसके जो अंदर कपड़ा लगा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये काम चलाओ, देखिए ये कितना टिकाऊ है, बहुत ही सुंदर ये पर्स लगता है मुझे, क्लच। एंड नेक्स्ट मेरे पास है हैंगिंग वाला यानी स्लिंग वाला, ये जीन्स में, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था शादी से पहले। तो ये देखिए इसका कलर बहुत प्यारा है, ग्रे कलर का है और डिजाइनिंग, और देखिए इसमें लिखा है फॉर स्पेशल यू, यानी कि मैं स्पेशल थी राज की बात है। तो ये देखिए, ये इसमें डबल चैन है जिप, और इसकी ना जिप बहुत सुंदर है, यानी कि बहुत टिकाऊ है। ये देखिए, ये बहुत टाइम हो गया, इसे 1 ईयर हो गया, पर कभी खराब नहीं हुआ, और मैंने इसको यूज 2-3 बार यूज किया है, पर ये कभी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। कुछ बैग्स ऐसे होते हैं कि हम लेके जाते हैं और इतना गड़बड़ कर देते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है, बट इसकी जिप बहुत ही सुंदर है। देखिए इसको भी, इसको तो हम जींस में यूज करते हैं, स्लिंग बैग। एंड नेक्स्ट मेरे पास है इस तरीके का क्लचेस, ये कि बहुत बहुत दिन का है। ये देखिए बहुत ही प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा लगता है, कैजुअल है, इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, मार्केट वगैरह या कहीं जा रहे हैं छोटे मोटे काम में, बहुत ही सुंदर है। तो देख, इसमें एक चैन लगी है सुंदर सी, जो कि ये काफी दिन का हो गया ये बैग, बट है बहुत सुंदर। तो चलिए नेक्स्ट बैग दिखाते हैं हम आपको, ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरा 3 ईयर का पर्स है, जो कि मैं इसे डेली ऑफिस में यूज करती हूँ, और इसका अभी तक कुछ भी खराब नहीं हुआ था, और ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो आपने देख लिया ना कि मेरे पास कितने सारे गिफ्टेड पर्स हैं, मैंने सिर्फ अभी तक सिर्फ 1 बैग है जो मैंने उसको बाय किया है, वरना मेरे पास ज्यादातर गिफ्टेड चीजें हैं। लेकिन मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको यदि पसंद आता है तो आप इस तरीके से मार्केट में सर्च कर सकते हैं। ये देखिए इसमें तो बहुत सारा पड़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसे बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4 कार्ड आ जाते हैं। देखिए एक यहाँ से ये स्पेस है, ये एक अंदर स्पेस है, ये एक अंदर, ये बहुत सारे इसमें पॉकेट है, और बहुत ही टिकाऊ बहुत है, और मुझे इसका कलर बहुत अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट्स में जाके बताइएगा जरूर, एंड कमेंट्स जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, एंड फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन की घंटी को भी जरा प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आने के लिए आपको घंटी बजानी पड़ेगी, 10 10 10। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से कुछ और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।